नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखते हैं कि भारतीय डाक द्वारा जो लगभग 40,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कौन से स्टेट में कितने कितने पद हैं, कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या रखी गई है, या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस स्टेट में कितने वैकेंसीज है, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप अंत तक बने रहिए। चलिए अपन देखते हैं, नोटिफिकेशन अपन चेक करते हैं। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। डिटेल में अपन बात करें तो ये सर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा ये जारी किया गया है 27 तारीख को, 27/3/2021 को, इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक GDS के लिए। तो अपन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें आवेदन प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक करवा सकते हो। तो 27 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 16 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा इसमें दिया है ADT या करेक्शन विडो फॉर अप्लीकेंट, आपने अगर आवेदन कर दिया है या इसमें आपको कुछ एडिट करना है या करेक्शन करना है, उसके लिए आपके पास डेट रहेगी 17 से 19 फरवरी। 17 फरवरी से 19 फरवरी तक आप इसमें कुछ अगर करेक्शन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलिए आगे अपन देखते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, उसकी अपन जानकारी लेते हैं। ये देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट, जो जितने भी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए क्या क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो अपन देखते हैं। एज लिमिट की अपन बात करें तो इसमें बताया है मिनिमम एज अभ्यर्थी की कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल। अब 40 के बाद में भी अगर आपको कुछ रियायत चाहिए, उसका भी अपन देखते हैं कि क्या किस किस को क्या एज लिमिट में रियायत मिल सकती है। पॉइंट नंबर 3 आप देखिए, एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसकी लास्ट डेट है, उसके अकॉर्डिंग ही एज लिमिट में आपको छूट मिलने वाली है। अब किस कैटेगरी को कितनी कितनी क्या छूट दी जाएगी, ये देखिए, कैटेगरी का नाम है और परमिशन एज इलेक्शन। जैसे SC ST कैटेगरी की अपन बात करें तो उन अभ्यर्थियों को 5 साल की एज छूट और मिलेगी, 40 के यानी कि 45 साल तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें OBC वर्ग की, OBC वर्ग को 3 साल की मिलेगी। EWS वालों को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई है एज लिमिट में। इसके अलावा PWD, उनको पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी आती है, उसमें उनको 10 साल की है, या पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी प्लस OBC कैटेगरी में आता है उनको 13 साल की है, या इसके अलावा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज प्लस SC ST कैटेगरी में अगर आता है तो उनको है 15 साल की और छूट मिलेगी, यानी कि ये 55 साल तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं, रिलेक्शंस इन अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। आपके पास अगर आप एज लिमिट की छूट चाहते हो तो उससे संबंधित आप, जैसे मान लो OBC SC ST कैटेगरी में जिसमें भी आते हो, या PWD जो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हो, तो आपके पास उसका एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको लगाना पड़ेगा। चलिए आगे अपन देखते हैं, क्वालिफिकेशंस एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जो जिस डेट को नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए आपके पास। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि आपके पास 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए। तो इसमें हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि ये दो सब्जेक्ट उसमें ज़रूर होने चाहिए, अगर आपने 10th प्लस पास की है तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए इसके अलावा आपको क्या
योग्यता और रखनी है। अदर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो पॉइंट नंबर एक में दिया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, ये भी एक क्वालिफिकेशन में ही मांगा गया है। एक्विटेड मेंस ऑफ लाइवहुड, ये भी आपके पास होना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको रखनी पड़ेगी। चलिए आगे अपन देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट इसमें दी है ये देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट BPM, ABPM और डाक सेवक, ये तीन टाइप की पोस्ट हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है वो आप देख लेना। हाउ टू अप्लाई की बात करें, हाउ टू अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, www.indiapostgdsonline.in की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं, ये मोटा मोटी अपन ने मैंने आपको आपको बताया है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट रखी गई है इसमें, कौन कौन सी पोस्ट हैं, आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक है, तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। आगे अपन देखते हैं कि कैटेगरी वाइज अपन देखें, TRCS स्लेब जो मान लो पहली कैटेगरी है BPM, उसमें 12,000 से लेकर आपको 29,380 रुपये तक का भत्ता मिलेगा, सैलरी मिलेगी। या डाक सेवक की उसकी बात करें तो इसमें 10,000 से लेकर 24,470 तक दिया जाएगा, तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। चलिए ये तो था नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के बाद में अपन देखते हैं जो सर्किल वाइज पोस्ट हैं, किस सर्किल में कितनी वैकेंसीज है उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये आपके सामने जो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है उसका एक चार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आंध्रा की, आंध्रा में कितनी पोस्टेज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज बात करें तो टोटल वैकेंसीज है 2,480। और लैंग्वेज की बात करें, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप आवेदन कर रहे हो तो उस स्टेट में क्या लैंग्वेज मांग रहे हैं वो भी आपको, आंध्रा के लिए आप आवेदन कर रहे हो आंध्रा स्टेट में तो आपको तेलुगु का नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आसाम की बात करें तो आसाम के लिए आवेदन कर रहे हो तो उसमें असमिया आपको जानकारी होनी चाहिए, असम की जो भाषा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसमें टोटल वैकेंसीज है आसाम में 355। आसाम के बाद में अपन बात करें, एक पॉइंट नंबर तीन और दिया है असम का ही है, इसमें बांग्ला और बंगाली आपको नॉलेज होना चाहिए, इसमें 36 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं बिहार, बिहार में आप आवेदन कर रहे हो तो हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए, और यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है 1,461 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं चंडीगढ़ की, छत्तीसगढ़ की अपन बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में मेरे दोस्तों कितने वैकेंसीज है, 1,593 हैं। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कुल कितने वैकेंसीज है, 46। उसके बाद में गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपको गुजराती भाषा की जानकारी होनी चाहिए, कौन सी भाषा की, गुजराती भाषा की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर कितने वैकेंसीज हैं, 2,017। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा की आप आवेदन कर रहे हो हरियाणा के लिए तो इसमें हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए, और यहाँ पर वैकेंसीज है 354। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में आप आवेदन करने वाले हो तो यहाँ हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए, और यहाँ पर प्यारे दोस्तों 603 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा J&K की बात करते हैं तो यहाँ आपको हिंदी या उर्दू की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर 300 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में भी आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर कितनी दोस्तों वैकेंसीज हैं, 1,590 वैकेंसीज हैं। कर्नाटका की बात करते हैं तो कन्नड़ आपको आनी चाहिए, कन्नड़ भाषा आपको आएगी तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हो, 3,036 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा केरला की अपन बात करते हैं,
तो केरला में आपको मलयालम की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर वैकेंसीज हैं 2462। उसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करते हो तो मध्य प्रदेश में आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर वैकेंसीज है 1841। उसके बाद में अपन देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको मराठी या कोंकणी भाषा की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर वैकेंसीज हैं 94। उसका अगला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी की जानकारी आपको होनी चाहिए, और यहाँ पर वैकेंसीज हैं 2414 वैकेंसीज हैं। नॉर्थ ईस्टर्न की अपन बात करते हैं तो बंगाली भाषा आपको आनी चाहिए, और बंगाली भाषा आपको आती है तो यहाँ आप आवेदन करते हो तो 201 वैकेंसीज यहाँ पर है। उसके बाद में बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न की ही बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए, यहाँ पर कितने वैकेंसीज है 395 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा अपन देखते हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न का ही है, यहाँ मणिपुरी आपको आनी चाहिए, और इसमें आपको मिजो भाषा की जानकारी होनी चाहिए। मणिपुरी या इंग्लिश आपको आती है वहाँ आप इसके लिए आवेदन करते हो तो यहाँ 209 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हो, मिजो भाषा अगर आपको आती है यहाँ आप आवेदन करते हो तो यहाँ 118 वैकेंसीज हैं। चलिए आगे अपन देखते हैं 22 नंबर पे ओडिशा। ओडिशा में आपको उड़िया भाषा की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर वैकेंसीज है प्यारे दोस्तों 1382। आगे अपन बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आपको हिंदी या इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर वैकेंसीज है मात्र 6 वैकेंसीज यहाँ पर है। पंजाब की आगे बात करते हैं, पंजाब का एक पॉइंट और है तो इसमें आपको पंजाबी भाषा आनी चाहिए, पंजाबी भाषा आती है तो यहाँ पर वैकेंसीज है 760। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपको अगर हिंदी भाषा आती है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, और यहाँ वैकेंसीज हैं 1684। उसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक तमिल भाषा अगर आपको आती है तो इसमें वैकेंसीज हैं 3167। उसके बाद में अपन देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर आपको हिंदी भाषा आ रही है यहाँ आप आवेदन कर सकते हो, 1266 वैकेंसीज हैं, सॉरी तेलंगाना में है। और उत्तर प्रदेश की अपन बात करते हैं तो 7987 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए आप आवेदन करने वाले हो तो यहाँ बंगाली भाषा आपको आनी चाहिए, और बंगाली भाषा आपको आती है तो यहाँ पर वैकेंसीज है मेरे प्यारे दोस्तों 2001 वैकेंसीज है यहाँ पर है। तो ये जो मेन मेन जो स्टेट थे, कौन कौन से स्टेट में कितने कितने वैकेंसीज है टोटल वैकेंसीज, इसके अलावा डिटेल में भी इसमें दिया है अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें कितनी है, ओबीसी वर्ग की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की, पीएफडीए की कितनी है, पीडब्ल्यूडीबी की कितनी है, ये अलग अलग कैटेगरीज के वाइज भी इसमें दे रखा है चार्ट, या आप ऑफिशियली वेबसाइट से, या मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा उससे भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टेट वाइज जो वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। टोटल वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो 40,889 वैकेंसीज है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी वैकेंसीज आई हुई है, इतने वैकेंसीज नहीं आने वाली आगे भी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप आवेदन करें और अपनी नौकरी सुनिश्चित करें। चलिए अगर मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी आवेदन कर सकें। और अगर इस नोटिफिकेशन से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पूछनी हो, कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो, तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते, कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। धन्यवाद। ऐसे ही अपने साथ जुड़े रहिए, आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। राम राम।